ये है विला नंबर 14 और विला नंबर 14 है सेल के लिए। ये विला का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर 4 बेडरूम 5 बाथरूम टोटल 7700 स्क्वायर फीट का इसका लैंड बैंक 2800 स्क्वायर फीट का नो इसका कारपेट एरिया। यस। और ये विला लोकेटेड है अलीबाग में, रेडी पोजीशन, लग्जरियस टाउनशिप है ये। टोटल 40 विलाज एंड प्लॉट्स की है टाउनशिप, 47 अप्रोक्सीमेट प्लॉट्स इसमें आएंगे। ये है कार पार्किंग, इस साइड में आपकी एक BMW पार्क होगी, इस साइड में आपकी एक मर्सिडीज पार्क होगी। तो ये विला का हम करने वाले हैं पूरा टूर। मेरा नाम है अमर गोगटे और मैं हूँ अनु गोगटे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, आशा करते हैं आप बहुत ही खुश हैं और पॉजिटिव हैं। जिरी रियल एस्टेट में अलीबाग ये जो लोकेशन है ये बहुत ही प्रीमियम लोकेशन माना जाता है और इस लोकेशन में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर कोविड के पहले किसी ने 1 करोड़ रुपए अलीबाग में इन्वेस्ट किए होंगे तो उसके बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट सर्वे अभी ये कहता है कि 1 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली 2 या 2.5 करोड़ रुपए तक अलीबाग में लैंड में इन्वेस्टमेंट, विला में इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। सेलिब्रिटीज ने भी अलीबाग में इन्वेस्टमेंट किया है। सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी, अलीबाग में बहुत बड़ा प्लॉट उसने लिया। तो ऐसा ही प्लॉट्स का, लग्जरी प्लॉट्स का टाउनशिप हम आपके लिए लाए हैं। बैक साइड में देखिए क्लब हाउस है, यूरोपियन स्टाइल का क्लब हाउस है इसका, 10,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस जिसमें सारी मल्टीपर्पज एमिनिटीज है। हम पूरे विला का टूर करने वाले हैं। अनु ये फुली फर्निश्ड है ना? यस, फुली फर्निश्ड है, जो दिख रहा है आपको विला में वो सब आपको मिलने वाला है। तो चलिए पीछे जाइए, पहले देखिए विला का ये पूरा स्ट्रक्चर। थोड़ा अनु वहां से चल के आएगी, मैं यहां से चल के आऊंगा, थोड़ा फिल्मी स्टाइल में इस विला का लुक लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह है इसका ग्रैंड एंट्रेंस। यहाँ से विला में हम एंटर करेंगे, ये इसका पाथवे। यहाँ पर है गुलमोर का ट्री, ये देखिए यहाँ पे इस साइड में। जैसे हम यहाँ से एंटर करते हैं अनु, तो सबसे अच्छी बात जो तुझे लगी इस पूरे विला में वो क्या थी? ये डोरबेल। डोरबेल जो साउंड है ना बहुत ही अच्छा लगता है, सूदनिंग लगता है, बहुत पीसफुल लग रहा है वो। ये टीक वुड का इसका डोर। यहाँ पर है किचन, फुल्ली मॉड्यूलर किचन आपको कल के मिलता है। व्हाइट कलर थीम में किचन डेकोर किया हुआ है, टोटल 20 कैबिनेट से। यहाँ पर आपको एलिका का हॉब है, ये चिमनी है, यहाँ पर ओवन है, इस साइड में फ्रिज इंस्टॉल किया हुआ है, ऑलरेडी इनबिल्ट है। इस साइड में है आपका लॉन्ड्री रूम, उसके साइड में है आपका सर्वेंट रूम। लॉन्ड्री रूम में आपको वॉशिंग मशीन है और डिश वॉशर है। तो अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। पहला बेडरूम एक बार जाके देख लीजिएगा आप। बेडरूम में काफी स्पेस है, चारों बेडरूम्स मास्टर बेडरूम्स है। इसका जो फिक्स्चर फिटिंग और फिनिशिंग है काफी प्रीमियम है, फुल्ली फर्निश्ड आपको ये मिलता है। इसके रग्स देख लीजिए, कार्पेट देखिए, इसके बेड का स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ पर लिनन फैब्रिक स्ट्रक्चर देखिएगा, वार्डरोब देखिए। अंदर आपने अगर उसका बाथरूम देखा है तो बाथरूम भी बहुत ही क्लासी नजर आता है। टाइल्स बहुत ब्यूटीफुल है, एक्वा ग्रीन कलर थीम और व्हाइट कलर में ये बेडरूम डेकोर किया हुआ है। यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं हम तो 3 बेडरूम्स आपको आ जाएंगे। यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो 3 बेडरूम्स आपको फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। मैं 3 बेडरूम्स आपको दिखाने वाला हूँ। ये इसका डाइनिंग का स्पेस, बहुत ही एलिगेंट डाइनिंग है ना अनु? बहुत ब्यूटीफुल है। ये टीक वुड का फिनिश है पूरा इसमें, और इसमें झूमर देख लीजिए कितना क्लासी लग रहा है। हाँ। ये विला में जो दिख रहा है वो मिलेगा। 9 एयर कंडीशन डाइकेन के, कटलरी के साथ में, चेयर्स के साथ में, वुड के साथ में, सब कुछ, एवरीथिंग इज इंटरनल एंड इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दिस विला। मुझे बहुत पसंद आया ये पूरा स्ट्रक्चर। ये इसका लाउंज का स्पेस, 10 से 12 आपके गेस्ट यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। जब भी पार्टी थ्रो करनी है, जैसी भी पार्टी थ्रो करनी है, आप यहाँ पे थ्रो कर पाओगे। ये लिनन का फैब्रिक देखिए इसका, बहुत ही क्लासी है। ये टिपॉय यूनिट यहाँ पर, मेन यूनिट 21 फीट का यहाँ पर हाइट है। ये यहाँ पर चेयर्स, और सबसे भारी जो चीज़ मुझे यहाँ पर लगी ना इसमें, ये देखिए ये फ्रेम, यहाँ पर शर्लॉक होम्स के बुक्स है और वो यहाँ पर उन्होंने उससे ये पूरी की पूरी फ्रेम बनाई है। बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है ना ये? Yes, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है वो। हाँ। बैक साइड में ये है आपका बार एरिया, बार सेक्शन अनु? बार सेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, बॉटल्स रखने के लिए स्पेस है, ग्लासेस रखने के लिए स्पेस है। यहाँ पर इस साइड में लाइब्रेरी क्रिएट की गई है, छोटी सी ऑलरेडी बुक्स वगैरह रखे है, ऐसे आप रख सकते हो। ये आपका रिलैक्सिंग चेयर है, यहाँ पर आप रिलैक्स करके आराम से बुक्स रीड कर सकते हो। इस साइड में आपका सिट आउट एरिया है, 2 स्विंग्स है, यहाँ पर आपका कॉफी टेबल है, आप इवनिंग के टाइम पे यहाँ पर कॉफी एंजॉय कर सकते हो।
बाहर आ जाइए और देखिए सबसे हमारी जो पसंद की चीज है, जब विला परचेज करते हैं ना तो विला में हमें क्या लगता है, लगता है ओपन लैंड, बिकॉज ओपन लैंड में यहाँ पर आप पार्टी थ्रो करोगे। इमेजिन कीजिए वहां पर बैक साइड में, एक बार बैक साइड देख लीजिए, यह है आपका विला का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो आप बाहर से देखोगे। यहाँ पर आपने पार्टी थ्रो की है, आपके 20-25 गेस्ट यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर एक पूल भी आपने क्रिएट किया हुआ है, ऐसे विला में बहुत मजा आएगा। पूल पार्टी करने के लिए यहाँ पर कितना मजा आएगा बहुत मजा आएगा। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर देखिए एक बिग साइज का पूल हम क्रिएट कर सकते हैं जो 4.5 फीट डीप हो सकता है। 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है, 3000 स्क्वायर फीट में अगर हमने एक 20x18 का भी पूल क्रिएट कर लिया तभी काफी स्पेस आ जाएगी। और विला का लुक देखो ना कितना क्लासी लग रहा है यहाँ पे। अब इसमें 500 से भी ज्यादा ट्रीज प्लांटेड है। अनु ये वाला कौन सा है? ये चीकू के पेड़ है। देखिए यहाँ पर चीकू ऑलरेडी लगे हुए हैं, छोटे छोटे चीकू है, थोड़े दिन में ये ग्रो हो जाएंगे खाने लायक। ये जैकफ्रूट का ट्री है, अभी छोटा है। उस साइड में है आपका बटरफ्लाई लीव्स का ट्री। बटरफ्लाई लीव्स मतलब दशहरे के दिन महाराष्ट्र में उस ट्री को बहुत इम्पोर्टेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं अप्टैची पान सोन। और ये जो सोने के ट्री होते हैं वो महाराष्ट्रियंस में हम सोने के तौर पर दिया जाता है, मतलब जैसे हम गोल्ड एक्सचेंज करते हैं वैसे ही ट्री के लीव्स एक्सचेंज होते हैं। ये इसका गार्डन का स्पेस, वहां पर एक गजीबो, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आओ बताता हूँ, अल्फांसो मैंगो का भी यहाँ पर पेड़ है। यहाँ पर आओ दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो पेड़ है ना ये अल्फांसो मैंगो का है। ज्यादा से ज्यादा और 3 से 4 सालों में ये बड़ा हो जाएगा और ये पेड़ आपको देने लगेगा अच्छे से हाई क्वालिटी के अल्फांसो मैंगोज। तो हमने ये गार्डन एरिया देख लिया, यहाँ पर गजीबो, लाइटिंग देख लीजिए कितनी गजब की यहाँ पे लग रही है। उस साइड में ना हमारा छोटा मिनी किचन गार्डन भी बनाया गया है जहाँ पर करी लीव्स वगैरह लगाए हुए हैं। हाँ राइट, किचन गार्डन उस साइड में बनाया गया था। अब यहाँ पर विला का जो है, हम पहले जाएंगे ऊपर और देखेंगे 3 बेडरूम्स। तो ये टीक वुड फिनिश के सारे स्टेयर्स, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ऊपर आपको मिलेंगे 3 बेडरूम्स। कलर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, डार्क ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर है। और यहाँ से है इसका पाथवे, यहाँ पर है टेलीविजन का सिट आउट एरिया। वाह मिनी थिएटर। हाँ मिनी थिएटर है यहाँ पे ऊपर। तूने आई नहीं थी ऊपर पहले देखने के लिए? नहीं है, यहाँ पर नेटफ्लिक्स अमेज़न देखने के लिए कितना मजा आएगा, बिंग वॉच करने के लिए, बिंग वॉच करने के लिए बहुत मजा आएगा। ये है इसका फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम होगा एक्चुअली, ये मास्टर स्वीट है, प्रीमियम मास्टर स्वीट। सारे बेडरूम्स आपको अटैच वॉशरूम के साथ में आएंगे। क्लासी लग रहा है ना, बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल। ये सेकंड बेडरूम, यहाँ पर जाइए ये थर्ड बेडरूम। चलिए देखते हैं अभी क्लब हाउस। 10,000 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेट क्लब हाउस है। बहुत ही अमेजिंग बात अनु मुझे इसमें ये लगी ना कि बराबर आपके विला के सामने, देखिए उस साइड में क्लब हाउस है, यूरोपियन थीम का ये क्लब हाउस। जैसे हमने कहा था पहले, सुपर क्लासी सुपर लग्जरी ये लग रहा है। ये पाथवे है यहाँ पे, यहाँ पे आप इवनिंग में बैठ के फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट का, वॉलीबॉल कोर्ट का काम चल रहा है उस साइड में। लेकिन पहले करते हैं विला में एंटर। अनु एक बार ग्रैंड एंट्री देना, आप लोग यहाँ से साइड से आ जाइएगा एक बार। अनु एक बार जरा विला के वो क्लब हाउस के डोर ओपन करके थोड़ा फिल्मी स्टाइल में ग्रैंड एंट्री दे देना। अरे ऊपर है बहुत वो, चल चल। नहीं अनु बराबर नहीं है, इधर आ पीछे आ जा, मैं अंदर से खोलती हूँ। हाँ स्टार्ट। ये है क्लब हाउस की ग्रैंड एंट्री। क्या क्लासी यूरोपियन स्टाइल का क्लब हाउस लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है बहुत ही एक आलीशान जगह पे हम आए हैं। यहाँ पर है रिसेप्शन का स्पेस इस साइड में, यहाँ से अगर स्टेयर केसेस से हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे रेस्टोरेंट और ऊपर की एमिनिटीज है। यहाँ पर इस साइड में बाहर से इंडोर गेम्स है, पूल है, कैरम है, फिर उसके बाद में टिकटैक टो भी है। टिकटैक टो तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर खेलने में मजा आएगा ना। चलो यहाँ पर इस साइड में आ जाइए, यहाँ पर है रेस्टोरेंट, सोना, स्पा, एवरीथिंग इज फंक्शनल ओवर हियर। ये इनहाउस रेस्टोरेंट है, फील यहाँ पर बहुत ही प्रीमियम महसूस होता है जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो। स्मेल बहुत अच्छा है। हाँ मजा आ रहा है यार यहाँ पर, सच में मजा आ रहा है। ऐसे मतलब अनु ऐसे लग्जरी विलास में ना परचेस करने के लिए एक बात ही बहुत डिफरेंट होती है, अलग ही चीज हो जाती है कि हम जब यहाँ पे प्रीमियम कई चीज पे परचेस करते हैं विला, जहाँ पे सेलिब्रिटीज देते यार ऐसे जगह पे। हाँ, सच में सेलिब्रिटीज देते। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको क्या, स्विमिंग पूल में, और यहाँ से हम बाहर एंटर करेंगे पूल एरिया में। पूल एरिया ही अप्रोक्सीमेटली है 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा के एरिया का। पहले पूल दिखा दो भाई, पूल दिखा दो। एक किड्स पूल है यहाँ पर, इस साइड में किड्स पूल, यहाँ पर अडल्ट पूल, अडल्ट पूल भी काफी डीप है।
काउच भी है वहाँ पर, काउचेस है यहाँ पे। अगर आपको पूल पार्टी थ्रो करनी है आपके फ्रेंड्स के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट लोकेशन होगा ना। यस, खुद काफी के मिलाने बड़ा पूल है। हाँ, मतलब जब आप 25-30,000 रुपीज रेंटल लेके विलाज में जाते हो, यहाँ पर अगर आप रेंटल में भी अगर उस विला को दोगे, जैसे विला हमने दिखाया था आपको, तो उस विला में आपको रेंटल यील्ड आराम से आ जाएगा 50,000 रुपीज पर डे का। यस, और उस साइड में गजीबो भी है। हाँ, उस साइड में गजीबो है। ये क्लब हाउस का एक्सटर्नल बैक साइड का स्ट्रक्चर कितना अच्छा लग रहा है ना क्लब हाउस देखने के लिए, कैमरा में अच्छा लग रहा है। जिम है वहाँ पर, परफेक्ट लग रहा है। जिम है, देखिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जिम मिल जाती है। तो ऐसा ये पूरा टाउनशिप का कल्चर, 47 विलास यहाँ पर है, इसमें प्लॉट्स भी है। तो अगर 5,400 स्क्वायर फीट का आपको एनए प्लॉट करना है नगाव बीच से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, अलीबाग में ये लोकेटेड, बहुत ही प्रीमियम डेवलपर की टाउनशिप, प्लॉट लेना है 1 करोड़ 65 लाख जो विला हमने दिखाया था वो अगर लेना है आपको तो 6 करोड़ रुपीज का, कम्प्लीटली टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट, लोन करना है आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इमीडिएटली कॉल उठाइए, हमें फ़ोन कीजिएगा और इस विला का पूरा इन्फॉर्मेशन लेके साइट विजिट शेड्यूल कीजिएगा। मेरा नाम है अमर गोगटे और मैं हूँ अनु गोगटे। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।